वेलकम फ्रेंड्स, टेक्टिक इंडिया के इस लेसन में आपका स्वागत है। आइए इस लेसन में हम देखते हैं कि हम अपने हेडर सेक्शन को किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। यदि हमें अपना हेडर सेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम कौन कौन सी कोडिंग करेंगे। जैसा कि आपने अभी कंप्लीट वेबसाइट्स में देखा कि सबसे पहले हम हेडर सेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो इस हेडर सेक्शन के लिए हमें क्या क्या कोडिंग करने हैं। मेन मोटो क्या है? कोडिंग करना। तो इस हेडर के लिए हमें क्या क्या कोडिंग करना है, आइए इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स हमारा HTML टैग से ओपन होता है और HTML टैग पे क्लोज होता है। अब हेड सेक्शन की बात आती है, तो इस हेड सेक्शन के अंदर में हम अपने CSS की फाइल को इंक्लूड कराते हैं, लिंक कराते हैं। हमने एक style.css नाम से CSS की फाइल बना रखी है और जब इस CSS फाइल को हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करना रहता है तो उस समय हम इस सिंटैक्स का यूज करते हैं और यहाँ हरीफ के अंदर अपने CSS फाइल का नेम और .css का यूज करते हैं। जैसे कि हमने अभी स्टाइल नाम का एक CSS का फाइल बनाया है और इस CSS फाइल को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में लिंक किए हैं। अब बात आती है बॉडी सेक्शन की। बॉडी सेक्शंस के अंदर क्या होता है? तो बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने एक डिवीजन बना रखा है। अब इस डिवीजन के अंदर मैंने अपना हेडर बना रखा है। अब यदि देखा जाए तो यह डिवीजन एक क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है और यह इमेज जो मैंने लगाया है 8.jpg यह क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। यह क्लास फोटो नाम से है, मतलब यह इमेज फोटो क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पे हेडर का टैग लगाया हुआ है। अब हम यह देखेंगे कि इस डिवीजन के लिए इस कंटेनर क्लास के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी सेट कर रखा है या फिर इस इमेज के लिए फोटो क्लास के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी सेट कर रखा है। तो इसके लिए हम अपने style.css नाम की फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉडी को बैकग्राउंड कलर देने का काम किया है। बॉडी को बैकग्राउंड कलर देने का मतलब है कि बॉडी के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी सेट कर रखी है कि उसकी बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए। यदि आप चाहें तो इसकी जगह पे, इस व्हाइट की जगह पे दूसरे कलर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ग्रीन और इस फाइल को सेव कराया। अब मैं अपने आउटपुट वाली फाइल को, जहाँ पे हेडर को मैंने सेट किया है, इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा।
रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि इसके पूरी बॉडी पे ये वाला कलर, जो कलर अभी मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर में डाला है, ये वाला कलर पूरे बॉडी पे लग गया है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी के लिए एक स्टाइल को सेट कर रखा है बैकग्राउंड कलर, और इस कलर की जगह पे आप जिस कलर का नाम मन करे उस कलर का नाम दे सकते हैं। अभी मैंने व्हाइट कर दिया और मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। अभी मेरे सामने बैकग्राउंड कलर व्हाइट आया है। अब देखते हैं कि इस डिवीजन के लिए हमने एक क्लास क्रिएट किया है कंटेनर नाम से। तो इस कंटेनर नाम के क्लास के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी सेट कर रखा है, यहाँ पे देखें, क्लास को डिक्लेयर करते समय डॉट और क्लास का नाम लिखा जाता है। साथ ही इस क्लास के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी सेट किए हैं। फर्स्ट है इसकी विड्थ जो 1000 पिक्सल है, और सेकंड है इसके लिए मार्जिन को सेट करना जो मैंने 0 और 8 कर रखा है। यह डिवीजन टैग इस क्लास की प्रॉपर्टी को हायर करेगा, मतलब इसकी विड्थ और मार्जिन दोनों इस क्लास के अंदर डिक्लेयर है। तो यह डिवीजन टैग उसकी विड्थ और मार्जिन को हायर करेगा। अब हम देखते हैं कि हेडर के अंदर हमने इमेज पे एक क्लास बनाया है फोटो नाम से। इस फोटो क्लास के अंदर इस इमेज के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी सेट कर रखा है, उसके लिए हम अपने स्टाइल वाले फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फोटो क्लास के अंदर हमने दो चीज, दो प्रॉपर्टीज को सेट कर रखा है। फर्स्ट है उसकी विड्थ और सेकंड है उसकी हाइट। तो जो इमेज पे जो इफेक्ट होगा वो फोटो क्लास का इफेक्ट होगा, वो फोटो क्लास की प्रॉपर्टी को हायर करेगा। अब यदि देखा जाए तो इस हेडर सेक्शन के अंदर में मैंने हेडर टैग्स को लगाया है, और इस हेडर टैग्स के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर रखी हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, हेडर के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रखा है। प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ पे होगा। साथ ही मैंने पैडिंग दे रखा है टॉप से कि उसकी पैडिंग कितनी की होगी। फिर फॉन्ट साइज दे रखा है, कलर दे रखा है कि उसके टेक्स्ट का कलर क्या होगा, और फॉन्ट फैमिली दे रखा है कि इस हेडर सेक्शन के अंदर में कुछ भी फॉन्ट यूज किया जाएगा तो उस फॉन्ट की फैमिली क्या होगी। तो जो हमारा हेडर सेक्शन है, ये हेडर टैग्स के अंदर में कुछ भी आएगा तो वो स्टाइल फाइल के अंदर, इस हेडर क्लास के अंदर कुछ भी डिक्लेयर किया गया है, कुछ भी प्रॉपर्टी सेट की गई है, वो इस प्रॉपर्टी को ऐड करेगा। तो आज के लेसन में हमने देखा कि यदि हमें अपना हेडर सेट करना है
तो इस हेडर के लिए हमें क्या क्या कोडिंग्स करने होंगे, चाहे वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग हो या फिर ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग है और इसके लिए हमने जो स्टाइल सेट कर रखा है उसके लिए हमें क्या क्या स्टाइल देना है। तो एक कंप्लीट वेबसाइट्स के अंदर में हमने यह देखा कि हमें यदि अपना हेडर सेट करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। थैंक यू।